बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि चोरी करना बुरी बात होती है। शास्त्रों में भी इसे महापाप माना गया है, लेकिन इसके बावजूद लोग चोरी करते हैं। चोरी की यह बीमारी केवल आज की ही नहीं बल्कि सदियों से चलती आ रही है। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार प्राचीन समय में एक चोर था जो मंदिरों में चोरी किया करता था, मगर बाद में एक दिन अचानक उसने एक ऐसा काम कर दिया जिससे वह बन गया धन का देवता। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम धन के देवता कुबेर की ही बात कर रहे हैं। पुराणों के अनुसार कुबेर को धन संपत्ति का देवता माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि कुबेर जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसके पास धन दौलत की कमी नहीं रहती। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर किस वजह से एक चोर बन गया धन का देवता। धन के देवता कुबेर के बारे में एक कथा प्रचलित है कि अपने पिछले जन्म में वे चोर थे, और चोर भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि मंदिरों में चोरी करने वाले चोर। शिव पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में कुबेर एक गरीब आदमी थे, उनका नाम गुनिधि था। वो इतना गरीब था कि उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। जब गुनिधि भूख से मरने लगा तो उसने चोरी करने की ठानी। इसके बाद वो अपने पालन पोषण के लिए अलग अलग मंदिरों में चोरी करने लगा। अपनी चोरी की आदत के कारण कुबेर अर्थात पूर्व जन्म के गुनिधि एक शिव मंदिर में जा घुसे जो अपने सोने चांदी और जेवरातों के लिए मशहूर था। मंदिर में खजाने की खोज करने के लिए कुबेर ने दिया जलाया, लेकिन तेज हवा होने के कारण वह दिया बुझ गया। इसके बाद कुबेर ने बार बार लगातार उस दिए को जलाया, परंतु हवा तेज होने के कारण वह दिया बुझता ही गया। बस फिर क्या था, शिव तो हैं ही भोले भंडारी। भोलेनाथ ने इसे अपनी दीप आराधना समझ ली और कुबेर से प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कुबेर को धन का देवता बनने का वरदान दे दिया। इस तरह गुनिधि नाम का वो चोर अगले जन्म में धन के देवता कुबेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धन की देवी लक्ष्मी के साथ साथ उन्हें भी पूजा जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि धन के देवता कुबेर अपनी कुरूपता के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उनके शारीरिक अंगों की बनावट बहुत ऊटपटांग है। उनके 3 पैर और 8 दांत हैं। ऐसा बताया जाता है कि कुबेर रावण के कुल गोत्र के थे, अथा उन्हें राक्षस या यक्ष भी कहा जाता है। यक्ष धन का रक्षक होता है, लेकिन उसका भोग कभी नहीं कर पाता। यह बातें बताती हैं कि धनपति होने के बावजूद कुबेर का व्यक्तित्व और चरित्र बिल्कुल आकर्षक नहीं था, लेकिन आज भी कुबेर को धन के देवता के तौर पर पूजा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये पसंद नहीं आई है तो इस वीडियो को डिसलाइक कर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आई। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है को दबाकर बनने वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। दोस्तों, मैं आकाश अरोड़ा भी आपसे इस वीडियो में अलविदा लेता हूं। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। जब तक खुश रहिए और इस चैनल की बाकी वीडियोस का भी आनंद लीजिए।